सुप्रभात, मेरा नाम राशि है। मैं 9वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है भूख का अधिकार। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसके दर्जा तथा उसके अधिकारों का ज्ञान होता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह फुटपाथ पर बैठकर फफक फफक कर रो रही थी। स्त्री का लड़के की मृत्यु हो गई थी। उसका कारण था क्योंकि स्त्री का लड़का था, वह सांप के डस जाने के कारण मर गया था। स्त्री का कोई भी स्त्री को उधार इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसका कमाऊ बेटा मर चुका था, अतः पैसे वापस न मिलने की आशंका के कारण कोई भी उसे इकन्नी द्वन्नी भी उधार नहीं देता था। मनुष्य के पोशाक के कारण कभी उसके सभी रास्ते खुल जाते हैं, कभी अड़चनें आ घेरती हैं। भगवान ने अपने परिवार का निर्वाह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में हरी तरकारी तथा खरबूजे उगाकर करता था। वह रोज हर सुबह उन्हें सब्जी मंडी में या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। लेखक ने देखा कि वह स्त्री फुटपाथ पर बैठकर फफक फफक कर रो रही थी। वह उसके रोने का कारण जानना चाहता था, पर उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह बाजार में बैठकर उसके रोने का कारण नहीं जान पाया क्योंकि उससे लोग भी व्यंग्य करते। लड़के की मृत्यु के अगले ही दिन उसकी माँ खरबूजे बेचने चली गई क्योंकि उसकी बहू बुखार से तप रही थी तथा पोते पोतियों भूख से बिलबिला रहे थे। जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तब हम अपने आप को स्वयं बड़ा मान बैठते हैं तथा सामने वाले को छोटा मान बैठते हैं। धन्यवाद।